नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। राजनीतिक जीवन से परे उनकी निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने अपने जीवन में दो शादी की, दूसरी पत्नी का निधन भी मेदांता अस्पताल में ही हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। जनता दरबार के दौरान ही एक शख्स देश का पीएम कैसा हो, नीतीश भैया जैसा हो का नारा लगाने लगा। यह देखकर नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर उस शख्स को रुकने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए बोले, एक से बढ़कर एक आ जाता है। केरल में लड़कियों के लिए नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स नाइट आउट की पहल की गई है। केरल में लड़कियों को बिना किसी डर के नाइट लाइफ का आनंद देने के लिए 4 दिवसीय गर्ल्स नाइट आउट अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मैथ्यू कुजल नादन ने फेसबुक पोस्ट पर बताया कि इस आयोजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी के नामांकन कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि देश की हालत चिंताजनक है। बीजेपी सीबीआई ईडी और आयकर विभाग जैसी स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस तरह से राजनीति कर रहे हैं कि जैसे देश में लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए निर्वाचक मंडल की सिफारिश पर मैं यह चुनाव लड़ रहा हूं। बिहार में डेंगू का आतंक जारी है। शहरी एवं ग्रामीण इलाके में इस बार डेंगू लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग आधे दर्जन डेंगू पॉजिटिव मरीजों ने बताया कि प्लेटलेट्स 50,000 तो किसी का 60,000 है। इसके बाद भी कमजोरी या किसी और तरह की परेशानी नहीं हो रही है, हालांकि सावधानी आपको बरतनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। पीएम आज भरूच में 9,460 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं शाम करीब 5 बजे जामनगर में 1460 यानी 1,460 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कई बार फटकार के बाद भी बुडको अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। गया शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को काट दिया गया है। सड़क को काट कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, जिससे शहर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हफ्ते भी बड़े पर्दे और OTT प्लेटफॉर्म पर कई बेहतरीन फिल्म और वेब सीरीज का तड़का लगने वाला है, जिसमें आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी भी शामिल है। परिणीति चोपड़ा की कोट नाम तिरंगा की कन्नड़ फिल्म कांतारा एलिजेंड, गुड बैड गर्ल और नेटफ्लिक्स पर मिस मैस्टर सीजन 2 देखने को मिलेगी। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी से नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। सोमवार की सुबह तक जलस्तर रेवा घाट स्थित मुजफ्फरपुर के बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने से आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। सीओ सरैया और संबंधित विभागीय अधिकारी नदी के बांधों का निरीक्षण करते हुए जायजा लेते रहे। टाटा अपनी बेस्ट सेलिंग SUV के डीजल वेरिएंट पर एक्सचेंज बोनस के तौर पर 15,000 का ऑफर और 5,000 की कॉर्पोरेट छूट सहित कुल 20,000 रुपए के डिस्काउंट दे रही है, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट पर 3,000 की कॉर्पोरेट छूट मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने आदि पुरुष डायरेक्टर ओम राउत का सपोर्ट करते हुए कहा कि आप किसी को कुछ भी बनाने से कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ धर्म बदलता है और ओम राउत ने वही किया जो उन्हें ठीक लगा। हालांकि पक्ष लेने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता ने फिल्म को रामायण नहीं कहा है। सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक महिला ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी एप्पल वॉच ने मेडिकल टेस्ट से पहले ही उनके प्रेग्नेंट होने के संकेत दे दिए थे। महिला के अनुसार उनकी एप्पल वॉच लगातार दिखा रही थी कि उनकी हार्ट बीट से काफी बढ़ी हुई है। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसके बाद इस महिला की मेडिकल टेस्ट से कन्फर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट है। भारतीय करेंसी रुपया आज अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। शुरुआती कारोबार में ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.68 प्रति डॉलर पर आ गया है। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट के बाद भारी चिंता बन रही और इसके 85 रुपये प्रति डॉलर तक नीचे आने का अंदेशा जताया जा रहा है। साथ में रश्मिका की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है, मगर लगता है कि उनका बॉलीवुड में जादू नहीं चल पा रहा है। गुड बाय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुड बाय के तीसरे दिन के कलेक्शन में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। फिल्म ने पहले दिन 1.02 करोड़, दूसरे दिन 1.59 करोड़ और तीसरे दिन करीब 1.50 करोड़ का बिजनेस किया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। गुजरात के भरूच में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह घोर राजनीतिक विरोधी होते हुए भी मुलायम सिंह उन्हें आशीर्वाद देते थे। अक्सर रोहित शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने फंसते नजर आते हैं। इस बार वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के लिए खेल रहे लेफ्ट आर्म पेसर जेसन बेहरनडॉर्फ के खिलाफ आउट हुए। वे इस मुकाबले में 3 रन बनाकर चलते बने। टीना दत्ता ने बिग बॉस में अंकित गुप्ता के साथ बातचीत में बताया कि एक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। कलाकारों को कई बार 14 से 15 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। टीवी शो उत्तरण के जरिए लोकप्रिय हुई टीना दत्ता ने बताया कि इससे इंसान का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है और वह परिवार को वक्त नहीं दे पाता है। नौकरी.com के मालिक और जोमैटो के एक निवेशक संजीव बिखचंदानी ने खुलासा किया है कि जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल और कंपनी के अन्य सीनियर मैनेजर स्तर के लोग 3 महीने में एक बार कंपनी की लाल जोमैटो टी शर्ट पहनते हैं। एक दिन में कम से कम एक तिमाही में ऑर्डर डिलीवर करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र मुझसे कहता है कि अब तक किसी ने उसे पहचाना नहीं है। बीते एक दशक से कर्ज के बोझ से दबी रहे देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा कंपनी सुजलॉन एनर्जी हाल ही में अपने संस्थापक तुलसी तांती के निधन के बावजूद नए सिरे से अपनी खोई हुई स्थिति वापस पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कंपनी को अपना राइट्स इश्यू पूरा करने का भरोसा है। यह इश्यू 11 अक्टूबर को खुलेगा और 20 अक्टूबर इसकी अंतिम तारीख है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को हथियारों की आपूर्ति न किए जाने को लेकर अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहे थे। भारत को हथियार देने के बजाय पश्चिमी देश पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही सरकार को हथियार देते रहे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक संदेश लिखा कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से शुरू होकर 5:42 तक रहेगा। भारत में दिखाई नहीं देने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को यूपी उत्तराखंड सहित 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया था। इन राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिली। वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश हुई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट राउंड एक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रही। पहले राउंड के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। ताजा मामला पीटीआई के वरिष्ठ नेता और इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी का है। उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ऑडियो लीक पर ध्यान नहीं दे रहा है और केवल जजों की नियुक्ति को लेकर आपस में बहस करने में उलझा हुआ है। दूसरे वनडे मैच के बाद जब ईशान किशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्राइक रोटेट करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रोटेट करने की जहां तक बात है वह कुछ प्लेयर का स्ट्रेंथ होता है जबकि किसी का स्ट्रेंथ होता है छक्का मारना। तो मेरे जैसा छक्का भी इतनी जल्दी कोई नहीं मार सकता है। मैं आसानी से छक्का मारता हूं, वो मेरा स्ट्रेंथ है। मैं अगर छक्के से ही काम कर लेता हूं तो रोटेट का उतना सोचता नहीं हूं। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, रविशंकर, संजय शर्मा, मोहम्मद नौशाद रजा, राकेश शर्मा, सबा जफर, शम्स तनफीज और अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि केरल में लड़कियों के गर्ल्स नाइट आउट अभियान की पहल आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।